अस्सलाम वालेकुम जी आज ही आप लोगों के साथ मैं राजमा चावल की रेसिपी शेयर करने लगा ये बहुत ज़बरदस्त और आला बनती है ये आप लोगों के लिए इतनी फ़ायदेमंद है ना मैं बता नहीं सकता ये आप लोगों ने पठान लोग देखे होंगे कैसे नौजवान लालो लाल होते हैं उनमें ये चीज़ का बहुत ट्रेंड है ये बहुत ज़्यादा खाते हैं ये लाल लोभिया जो है तो हम भी आज बनाते हैं इसको राजमा चावल कहते हैं इंडियन ज़ुबान में तो बनाना स्टार्ट करते हैं जी तो सबसे पहले मसाले बता देता हूँ आप लोगों को दरदरा मिर्च है मिड़्चा, काली मिर्च है गरम मसाला है सूखा धनिया है नमक है और जी हल्दी है ये सारी हाफ हाफ टी स्पून है जो काली मिर्च थी ना वो आधी टी स्पून थी हाफ़ टी स्पून अच्छा जी ये मसाले हो गए सबसे पहले जी हमने अपना ले लेना प्रेशर कुकर उसमें फाइव से सिक्स टेबल स्पून मैंने ऑयल के डाल दिए और एक बड़े साइज़ का डाल दिए इसमें जी प्याज़ गंडा डाल दिए इसमें फुल बरीक कटा हुआ उसको आपने गोल्डन ब्राउन कर लेना है तेज आंच पे फिर जी इसके अंदर दो बड़े साइज के टमाटर डाल दिए हैं फुल बारीक कटे हुए अच्छा जी इसका मेन काम है मसाला बनाने का तो जी इसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैंने आपने देखा है कि थोड़ा सा डाल दिया पानी थोड़ा सा छट्टा लगा लेना पानी का और अपने सारे जो ड्राई मसाले ना वो डाल देना है और उसको भूनना है फिर जरा सा पानी का छटा लगाना और फिर इसको भूनना इस तरह आपका जो ड्राई मसाला है ना वो जलेगा नहीं ना ही नाक में डालेगा आपकी नाशों में नहीं जाएगा <laughs> अच्छा जी तो फिर जब ये थोड़ा सा बुनाई हो जाए कि फिर आपने इसके अंदर एक कप दही डाल देना फिर उसको मिक्स करना और अब आपने डालना जी हाफ़ टी स्पून लहसन का पेस्ट लहसन का पेस्ट अब डालना है आपने फिर इसको थोड़ा मिक्स कर देना अच्छा इसको चार से पाँच घंटे के लिए मैंने भिगो के रखा हुआ था लाल लोबिए को ये अच्छी तरह जब ओवरनाइट के लिए सोक कर देते हैं ना आप फिर ये अच्छी तरह से गलता है उससे पहले आ नहीं गल गलता आपने ना इस चीज़ का बहुत ख्याल करना अच्छा जी फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया एक गिलास पानी उसको ज़्यादा भुना नहीं अगर आप ज़्यादा भुनेंगे ना लोभिए को वो चीड़ा सा हो जाएगा जल्दी गलेगा नहीं फिर जी इसको मैंने प्रेशर लगा लिया सिर्फ और सिर्फ पंद्रह मिनट के लिए पहले तेज़ आँच की जब पता चला जी सीटी में उसमें प्रेशर में हवा बढ़ने लग गई फिर जी मैंने क्या किया फिर पंद्रह मिनट के लिए लगा दिया फिर इसको ओपन किया ओपन करने के बाद आपने जी हरी मिर्च और आपने अपना अदरक लंबा हुआ कटा हुआ वो डाल देना इसके अंदर फिर इसका पानी ड्राई कर लेना और भून लेना इसको अब आप भून सकते हैं और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त हमारा लोबिया बन गया इसको राजमा चावल कहते हैं इंडिया में अब जी इसके साथ बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ तड़के वाले चावल बने लगे थोड़ा सा ऑयल डाला उसके अंदर फुल आपने ना गोल्डन ब्राउन कर लेना प्याज फिर थोड़ा सा जीरा डाला फिर नमक डाला और जी एक गिलास चावल थे तो दो गिलास इसके अंदर हमने पानी डाल दिया पानी जब बॉयल हो गया अच्छी तरह से रंग निकल आया उसका प्याज का फिर जी हमारे चावल रेडी हो गए माशाल्लाह जी हमारे राजमा चावल रेडी हो गया ये बहुत मज़ेदार बनाता है और आप इसको खाएं अपनी एनर्जी बहाल करें ये गोश्त से ज़्यादा ताकत देता है जो लोग गोश्त खाना नहीं ना पसंद करते उसके लिए ये बेस्ट ये तो उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी अपने प्यार के तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गुलाम अली फूड्स को ओके जी रब रखा अल्लाह हाफ बाय